बेटा तेरा दांत टूट गया। हाँ? ये देखिए गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SD व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग मैं दोपहर को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज हम गोरी के एडमिशन के लिए गए थे और इसका एडमिशन जो कि है हो ही चुका है। लगभग इंटरव्यू में पास हो चुकी है, ये घिस पिट के जैसे भी हुई। और अभी इसका दांत टूटने वाला है जो कि अड़ा पड़ा है। ये तोड़ नहीं रही, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। गोरी दांत टूट रहा है। दांत टूट रहा है तो तोड़ दे फिर। तोड़ क्यों नहीं रही बेटा, टूटने ही वाला है ये। अभी 15 या 10 मिनट में टूट जाएगा, इसको तोड़ दे। दिखा मैं खींच के तोड़ू। दिखा तोड़ू तो तोड़ दे। तोड़ क्यों नहीं रही, खून आता, आता है तो क्या होगा। दांत टूटेंगे तो नहीं आएंगे ना दूध के। मैं गोरी को ट्यूशन छोड़ाई हूँ और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पहाड़ों वाली मैगी की रेसिपी दूंगी, और इसीलिए मैंने आज सोचा कुछ है तो है नहीं दिखाने के लिए, बट आपको पहाड़ों वाली मैगी की रेसिपी दिखाती हूँ और बना कौन रहा है मैं ये भी दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो धीरज है, मैगी की रेसिपी कर, मटर छील रहे हो। ये देखिए आप लोगों के लिए मैगी की हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मटर छीले जा रहे हैं। मैं सारा सामान काट लूँ और फिर आपको मैगी की रेसिपी बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे बनती है, और एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको पहाड़ी मैगी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ये आपको पहाड़ी मैगी के लिए चाहिए पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और एक ये मैगी मसाला और ये मैगी। ये आपको चीज़ें चाहिए पहाड़ी मैगी के लिए। अब मैं आपको इसको बनाने की रेसिपी दिखाती हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें प्याज, गाजर अपनी तरफ से ऐड कुछ भी कर सकते हो सब्जी और, बट मैं प्याज वगैरह नहीं डाल रही, मैं आपको यही बना के दिखा रही हूँ। जैसे हमने खाई थी उन्होंने भी यही चीज़ें डाली हुई थी और मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ बनाने की रेसिपी। थोड़ा सा अभी हम इसमें ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, आप चाहो तो बटर वगैरह भी डाल सकते हो। और ये थोड़ी सी हम रेड कर लेंगे कि ब्राउन ब्राउन सी हो जाए, और साथ में हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। ये हम लोग कट्ठी सब्जी फ्राई करेंगे सारी, और ये टमाटर डाल देंगे बीच में और मटर, लास्ट में आप मटर डालना है इसमें, और ये अच्छे से आप फ्राई करें इन्हें। और ये बीच में हमारी जो हरी मिर्च रह गई आप वो भी इनमें ऐड कर दें बिल्कुल। ये हरी मिर्च हमारी ऐड हो चुकी है, और अब इनके अंदर आप 2 चुटकी नमक डाल दो कि थोड़ी सी ये आपकी सब्जियों का एक तो टेस्ट आ जाएगा और ये बिल्कुल ही मैश सी हो जाएंगी इनसे। और ये नमक डाल के आप इन्हें अब अच्छे से फ्राई करो। अब ये 5 मिनट आप इन्हें ऐसे ही फ्राई करते रहो। आप इस मैगी को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी, जैसे आप चाहो, बट ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि मैगी अगर हम लोग प्लेन खाते हैं ना उसका टेस्ट नहीं आता, अगर हम लोग वेजिटेबल मैगी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी सब्जियाँ जो है ये फ्राई हो चुकी हैं, और अगर आप मैगी के हिसाब से पानी डालें, ये सब्जियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास, क्योंकि हम 2 पीस बना रहे हैं। ये हमने डाल दिया पानी इसमें, ये देखिए ये हमने अब 2 गिलास पानी डाल दिया, और अब ये बिल्कुल हम इसे 5 मिनट के लिए प्लेट से ढक के रख देंगे। प्लेट देना, प्लेट हम 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल ढक के रख देते हैं ताकि जो सब्जियां हैं हमारे बिल्कुल पक जाए, क्योंकि कच्ची सब्जियां तो पेट में दर्द करेंगी। ये हमने 5 मिनट के लिए गैस सिम करके ढक के रख दी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा ये पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम मैगी मसाला ऐड कर देंगे हमारा ये, ताकि ये सब्जियों के अंदर आपका बिल्कुल टेस्ट आ जाए। और मैगी मसाला कौन सा डालना है, जो आपको मार्केट से मिलता है ना पाउच, वो वाला पाउच, बाकी मैगी वाला भी हम लोग डालेंगे। ये भी बॉयल हो जाए 5 मिनट अच्छे से। अभी हम इसमें अपना जो मैगी के साथ पाउच आते हैं आपके मसाले वाले, वो भी ऐड कर देंगे ताकि जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाए सब्जियों के अंदर। ये आपके मैगी वाले पाउच जो होते हैं साथ, आप वो बिल्कुल ऐड कर दो इसमें। हमने 2 पीस बनाए हैं इसलिए हमने 2 पाउच ऐड कर दिए, और अब हम ये डालेंगे मैगी इसके अंदर क्रश करके। मैगी आपने क्रश करके डालनी है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल क्रश करके आपने मैगी इसमें ऐड करनी है।
फिर ही बिल्कुल पहाड़ी मैगी वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हमने मैगी इसमें क्रश करके ऐड कर दी है अपनी। ये देखिए हमारी मैगी हमने इसमें डाल दी है और अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए अपना ढककर रखेंगे। 5 मिनट के लिए बस ढक के रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर आपको मैगी थोड़ी सी सूपी चाहिए तो आप उसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हो, बट हम लोग सूपी नहीं खाते क्योंकि हमने जो पहाड़ों पे खाई थी वो भी बिल्कुल ऐसी थी, सूप बिल्कुल नहीं था उनमें और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। हम लोग सेम वैसे ही रेसिपी बना रहे हैं। ये देखिए हमारी मैगी लगभग बनकर तैयार हो गई है और खाने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, और इसे हम खाकर आपको प्लेट में बिल्कुल अभी डाल के दिखाती हूँ मैं। ये हमारी मैगी बस बन चुकी है, थोड़ा सा सूप है इसमें पानी सा, वो सूख जाए और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है और खाने में लग रही है ना स्वादिष्ट। देखा गाइस आपने, हमने इतनी टेस्टी और लाजवाब मैगी बना ली और देखो कितनी टेस्टी लग रही है। आप भी इसे बनाकर रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि मुझे पता है वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, बट अगर आप ये मैगी बनाकर देखोगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करना क्योंकि मैं भी स्पेशली ये सीख कर आई हूँ, मेरे से भी कभी ऐसी बनती नहीं थी घर पे। बाकी मैं अब खाती हूँ मैगी और फिर आपको मिलती हूँ। मैंने मैगी खा ली है, देखो मुझे कितनी टेस्टी लगी है ना। और अब ये गए हैं नहाने और मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि हमारा लड्डू भी सो के उठ चुका है और चाय बनाकर पीते हैं क्योंकि मैगी के साथ चाय तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप सभी को पता है। ये देखिए मैंने गौरी के कपड़े निकाल रखे हैं, गौरी ने अपनी अलमारी की क्या हाल बना रखा है। ये देखिए गौरी ने अपनी अलमारी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है और वैसे भी मुझे अब क्योंकि गर्मी आ गई है, सर्दियों के कपड़े समेटने और गर्मियों के रखने हैं, तो देखूंगी रात को करूंगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। रात को एडिटिंग का टाइम हो जाता है और आज बट लेट तक जाकर सोचो कि आज गौरी वाली अलमारी तो काम कर ही लूँ। बाकी अब डस्टिंग कर रही हूँ, बाहर बर्तन धो रही हूँ, सारा दिन भर के काम भी खत्म नहीं होते। बेटा तेरा दांत टूट गया? वाह सुबह सुबह कह रही थी ब्लड नहीं आया, सही है टूट गया। सुबह कहती थी टीथ में दर्द हो रहा है और फिर टूट भी गया। हाँ ये देखिए गाइस हमारे लड्डू की भी गर्मी आ चुकी है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हुई पड़ी है, इसीलिए हमारे लड्डू ने कॉटन की खुली खुली फ्रॉक डाली है रात को। और लड्डू आज सुबह से आप सभी को मिल रही ना इसीलिए राधे राधे बोल रहे हैं और देखो कितना खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनके बेड पे भी देखो जय श्री राधे लिखा हुआ है ना लड्डू, राधे राधे। अब बस ये दूध पियेंगे और आराम से शोई शोई करेंगे। वॉक कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तेरी वॉक यहाँ पे हो रही है? बाहर तो फिर भी ठंडक है, अंदर तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों हो रही है, बट बाहर इतनी ठंडक है बस जी कर रहा है कि बाहर ही बैठ जाओ। मैंने तो इनको कहा है कि छत पे मंजी बिछा दो, हम तो छत पे बैठ जाएंगे। आप लोग बताना कि आपके वहाँ पे भी गर्मी है, हमारे तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है हरियाणा के अंदर। और बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कॉमेंट करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना SG Vlogs। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली डेली नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाय।